दोस्तों, हम अपने आसपास दर्जनों जानवरों को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन जानवरों के अंदर दूसरे जीवों को देखा है? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही जानवरों को दिखाने वाले हैं जिनके अंदर पाए गए खतरनाक जीव। नंबर 1, दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर एक कुत्ते की त्वचा को हल्का सा निचोड़ता है तो उसमें से कैटरपिलर निकलते दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कीड़े आपके पालतू जानवरों में या उन जानवरों में जिन्हें आप भोजन में शामिल करते हैं उनमें भी पाए जा सकते हैं। ये कीड़े मक्खियों के लार्वा हैं। ये कीड़े 3 से 5 दिनों तक स्किन के नीचे रहते हैं। जानवरों के शरीर में कीड़े तब प्रवेश करते हैं जब वे कचड़े के डिब्बे से सड़ा हुआ भोजन खाते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक प्रकार का वॉर्म है जो आपके जानवरों को अंधा बना सकता है? कई यूरोपीय देशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। सबसे पहला मामला 1910 का है जब 2 वैज्ञानिकों ने चीन में एक कुत्ते की आंख में इन वॉर्म्स को देखा था। दरअसल जब भिन-भिनाते मक्खियों से भरे कचरे के डिब्बे में से कुत्ते भोजन खाते हैं तब इन वॉर्म्स से संक्रमित होने का खतरा होता है। उस दौरान मक्खियां अपने लार्वा को जानवरों की आंखों में जमा कर देते हैं। वहां लार्वा जीवित रहता है और यहां तक कि आंखों के विभिन्न हिस्सों में रिप्रोड्यूस भी होता है। अगर आपके भी पेट्स की आंखें लाल और सूजन जैसी दिखाई देती हैं तो आपको गौर करने की जरूरत है। नंबर 3, ये घटना टेक्सास की है जहां एक परिवार ने अपने रात के खाने में ऑयस्टर ऑर्डर किया था और उन्हें उसमें एक जीवित वॉर्म दिखाई दिया। ऑयस्टर के अंदर पाए जाने वाले इस कीड़े को मड वॉर्म कहते हैं। ये लाल रंग के होते हैं जो कि ऑयस्टर के साथ संबंध बनाते हैं। आप इसे सहजीवी भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये कीड़ा सीप के खोल के अंदर रहता है। आमतौर पर सीप को फोड़ते समय ये बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं निकल पाता है। सीप विशेषज्ञ कहते हैं कि मडवर्म वास्तव में एक संकेत देता है कि सीप बिल्कुल ताजा है, और साथ ही ये कीड़े हानि रहित भी होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वॉर्म मिलने के बाद भी क्या आप सीप खा सकते हैं? नंबर 4, दोस्तों ये कीड़ा जो आप देख रहे हैं इसे एक बंदर के शरीर से निकाला जा रहा है। इस सेम कीड़े को बिल्ली के बच्चे के शरीर में भी देखा गया है। ये कीड़े मक्खी के लार्वा होते हैं। उसके कई उपनाम हैं, जैसे टम्बू फ्लाई, पोर्ट्स फ्लाई एंड स्किन मैगोट्स फ्लाई एटसेट्रा। आमतौर पर ये मक्खियां अपने अंडे गंदगी या रेत में देती हैं, जहां से तेज गंध आती है। जब ये अंडे त्वचा के संपर्क में आते हैं तो त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आप इस गिलहरी में कुछ अलग देख पा रहे हैं? आपको गिलहरी के शरीर पर पड़ने वाले काले घाव दिख रहे होंगे। ये तितली के लार्वा हैं। ये लार्वा समय के साथ इतने बड़े हो जाते हैं कि वे शरीर पर घाव कर देते हैं। इन ट्यूब जैसे घावों को वार्बल्स कहा जाता है। आमतौर पर ये वॉर्म गिलहरी और चूहे जैसे छोटे जानवरों के शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये वॉर्म्स पूरी तरह मैच्योर होने के बाद ही शरीर को छोड़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।